दोस्तों नमस्कार। आज मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे जिसमें से लोगों ने ये पूछा था कि मेडिकल फ्रेंचाइजी कौन सी ऐसी है या कौन सी टॉप 10 बेस्ट मेडिकल फ्रेंचाइजी है जिसके साथ बिजनेस की शुरुआत किया जा सकता है और साथ में उसमें जरूरी ना हो कि फार्मासिस्ट या फार्मेसी की डिग्री हो और बिजनेस को लो कॉस्ट के अंदर स्टार्ट किया जा सकता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 10 ऐसे बेहतरीन फ्रेंचाइजी बिजनेस जो मेडिकल फ्रेंचाइजी होंगे जिसके साथ आप कम पैसे में लो इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये अलग अलग तरह के बिजनेसेज होंगे, हो सकते हैं कि कुछ बिजनेसेस के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया होगा, लेकिन इस पूरे इंटायर में मैं बात करूंगा 10 बेस्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। कुछ ऐसे होंगे जिसमें मेडिकल फ्रेंचाइजी की जरूरत हो सकती है, कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपके फार्मेसी की डिग्री की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें से आपको फार्मेसी की डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई भी बंदा इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 बेस्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। तो दोस्तों इस सीरीज में जो पहला फ्रेंचाइजी है वो है टाटा का 1MG फ्रेंचाइजी, एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिसको आप मात्र 10,000 रुपए के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक बेहतरीन वीडियो बना रखी है, बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया। उसमें मैंने बताया था कि ये जो फ्रेंचाइजी है ये बेसिकली एक अफिलिएट बेस्ड फ्रेंचाइजी है, यानी कि आपको सिर्फ 10,000 रुपया देना है और इसके लिए किसी दुकान की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करनी है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद से वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, लिंक्स मिलेंगे, उसको प्रमोट करने हैं और जितने लोग आपके उस लिंक के थ्रू जाएंगे और वहाँ से परचेज करेंगे, चाहे वो मेडिसिन परचेज करें या लैब से कोई टेस्ट बुक करें या कोई ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेंसी लें, कुछ भी अगर आपके लिंक के थ्रू और आपके प्रमोशन के थ्रू कोई बंदा करता है तो उसके जो रिवेन्यू है उसका जो है 10 से 12% आपको शेयर किया जाएगा। और ये फ्रेंचाइजी जो है वो टाटा ग्रुप की फ्रेंचाइजी है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रस्ट के साथ आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें मात्र जो खर्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी फ्रेंचाइजी के बारे में और ये फ्रेंचाइजी है जेनरिक मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये एक जेनरिक मेडिसिन की फ्रेंचाइजी है जहाँ पर आप जेनरिक मेडिसिन के बारे में जेनरिक मेडिसिन की फ्रेंचाइजी स्टोर स्टार्ट करके और जेनरिक मेडिसिन को बेच सकते हैं। ये बेसिकली 1-to-1 शॉप फ्रेंचाइजी है जहाँ पर आपको एक स्टोर खोलने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर बात करें तो ये फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2018 में हुई थी, 2019 में इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी लॉन्च करना शुरू करी थी और अभी 10 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी इनके पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट इसमें कितना लगेगा दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर आपको 20 लाख के आसपास या 20 लाख से इनका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर रॉयल्टी फीस जो होती है यानी ब्रांड फीस जो होती है वो आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो ये जो है एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है अगर आप जो है अपना एक मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे फ्रेंचाइजी की और ये फ्रेंचाइजी है दोस्तों केयर फ्रेंचाइजी, केयर फार्मेसी जिसके नाम से बोला जाता है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और ये जो है 2018 में अपनी पहली फ्रेंचाइजी लॉन्च करी थी। इस फ्रेंचाइजी में भी आपको जो है 10 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट मिल जाएंगे जो अभी तक काम कर रहे हैं और इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अगर आप कम पैसे में एक फार्मेसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो है इनके साथ जुड़ सकते हैं और इनकी जो रॉयल्टी फीस यानी ब्रांड फीस है वो है 2 लाख रुपये। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि 1,000 से ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स जो है वो इनके पास अवेलेबल है। इसके अलावा कई सारे ब्रांड्स जैसे आपका सिल्पा हो गया, जाइडस हो गया, हैजिन हो गया, ग्लेनमार्क हो गया और इस तरह के जितने भी ब्रांड है उस तरह के ब्रांड को ये जो है मेडिसिन के रूप में अपने रिटेल शॉप में अवेलेबल करवाते हैं मेडिसिन, तो ये एक बेहतर ऑप्शन भी हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे मेडिसिन फ्रेंचाइजी की और ये है लाइव हेल्दी 24। लाइव हेल्दी 24 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर रॉयल्टी फीस जो है वो सिर्फ 4% आपको देना पड़ेगा। ये भी बिजनेस 16 के अंदर स्टार्ट हुई थी और 2019 में इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी लॉन्च करी थी। इस कंपनी की भी फ्रेंचाइजी अभी तक 10 से 15 फ्रेंचाइजी अभी तक ओपन हुई है और अगर हम बात करें दोस्तों तो ये एक फ्रेंचाइजी है जो कल्मिनेशन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की फ्रेंचाइजी है। यहाँ पर ये बहुत तरह की मेडिसिन की सर्विस उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा इनके पास जो ऑफर होती है वो होती है जेन्युइन मेडिसिन होता है, डॉक्टर कंसल्टेशन होता है और हेल्थ डायग्नोस्टिक का जो ऑप्शन है यानी कि डायग्नोस्टिक सेंटर जो आप ओपन करते हैं, ये तीनों का कम्बिनेशन जो है वो आपको देने वाले हैं। तो इससे जो है आप सिर्फ मेडिसिन ही नहीं दोस्तों
बल्कि अगर आप लैब सेक्शन में भी जाना चाहते हैं या एक ही छत के नीचे लैब का भी बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे में लाइविंग हेल्थ 24 बेहतर काम कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों संजीवनी का। संजीवनी भी एक तरह से मेडिकल स्टोर फ्रेंचाइजी है जिसकी शुरुआत आप 10 लाख रुपए से कर सकते हैं। इस कंपनी का फाउंडेशन 2016 के अंदर हुआ था और ये कंपनी फ्रेंचाइजी डिवीजन में आई 2015 के अंदर और इस वक्त जो है इसके 50 से 60 फ्रेंचाइजी आउटलेट अभी काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनेगा जहां पे आप मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है जो सिर्फ 100% रिटेल केमिस्ट में डिफाइन करती है। यानी कि आप जो है यहां से अगर रिटेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो है डेली हेल्थ केयर की नीड्स जो होती है उसको भी सॉल्व करने में आपका मदद करता है। तो अगर आप जो है इस फ्रेंचाइजी के साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे रखी है, आप चाहें तो वहां पे जाकर के और इसका ले सकते हैं फ्रेंचाइजी। अब हम बात कर लेते हैं, ये है ईएमई डिस्क। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस कंपनी के फाउंडेशन की, तो ये 2016 के अंदर स्टार्ट हुई थी। 2018 में इन्होंने फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया था और अभी तक इनके पास 20 से 30 फ्रेंचाइजी आउटलेट काम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इनके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जो है वो 5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है और सबसे बढ़िया चीज दोस्तों यहाँ पे ये मिलता है कि इनकी रॉयल्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। यानी कि जो टोटल सेल वैल्यू आपकी होगी उस पर जो है आपको 1% जो है आपको कमीशन जो है इनको पे करना होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आप जो है इनके थ्रू कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या फिर डॉक्टर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो ये भी इनके पास अवेलेबल है। इस कंपनी के थ्रू आप ऐसा ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली फ्रेंचाइजी सस्ता सुंदर की। 2013 के अंदर इस कंपनी के स्टार्ट हुई थी और 2013 में ही इन्होंने फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल पे काम करना शुरू कर दिया था और आज के समय में देखा जाए दोस्तों तो 200 से 300 फ्रेंचाइजी आउटलेट इसके ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 50,000 रुपए का होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने टाटा 1MG फ्रेंचाइजी लिया है उसके बाद से दूसरा सबसे सस्ता फ्रेंचाइजी जो है वो है सस्ता सुंदर फ्रेंचाइजी। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट और ये है अपोलो फार्मेसी। दोस्तों अपोलो को कौन नहीं जानता होगा। अपोलो के साथ अगर आप जुड़ के बिजनेस करना चाहते हैं तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर बात करें कंपनी के स्टार्ट की तो ये कंपनी 1983 के अंदर स्टार्ट हुई थी। 1987 के अंदर इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी देना शुरू करी थी और इस वक्त जो है 3500 से ज़्यादा फार्मेसी स्टोर जो है वो इनके अंडर चल रहा है और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट होता है 5 से 15 लाख के बीच का। यानी कि मैंने जो फ्रेंचाइजी आपको बताई उसमें से तीसरा सबसे सस्ता फ्रेंचाइजी है और यहाँ पर आपको 5 से 10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी मिलने वाली है। और इसके बाद से अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 25,000 रुपये का ब्रांड फीस जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये जो है कंपनी जो है स्टार्ट हुई थी बाय डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी के द्वारा और ये अपोलो हॉस्पिटल्स जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल चेन है उसके अंदर आता है। तो आप अगर बड़े इस बड़े हॉस्पिटल चेन का एक हिस्सा बनना चाहते हैं या फार्मेसी स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो ये जो है आपके लिए बेहतर नहीं सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। इसके लिए आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाना है और आप उस वहां पे रजिस्ट्रेशन करनी है और फिर से काम करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिरी और ये है दवा इंडिया के बारे में। दवा इंडिया के बारे में कौन नहीं जानता। कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी और 2017 से इन्होंने फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर एंट्री मारी। और दोस्तों अगर हम बात करें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पे 6 से 7 लाख रुपए के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और एक चीज और दोस्तों कि यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी फीस है वो है 1.5 लाख। यानी कि अगर आप जेनरिक फार्मेसी में डील करना चाहते हैं या जेनरिक मेडिसिन को बेचना चाहते हैं तो जेनरिक मेडिसिन का दवा इंडिया से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी की जो भी कंपनी इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी के थ्रू आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो ये कुछ फ्रेंचाइजीज थे, कुछ मेडिकल स्टोर फ्रेंचाइजी थे, कुछ अफिलिएट से रिलेटेड फ्रेंचाइजी थे जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैंने जिक्र किया था। अगर आपको इसके बारे में कोई भी वीडियो जानना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन
लेना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपको बेहतर लगा या कौन से बिजनेस के बारे में आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर पहली बार आप हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलना। जय भारत।